कुंडली के 11वें भाव के स्वामी से आज हम ये देखेंगे कि आप लाइफ में कितनी वेल्थ अटेन करेंगे, कितना धन अर्जन करेंगे, ये कैसे निकाला जा सकता है। और एग्जाम्पल्स के साथ चार ऐसे नियम देखेंगे जो कुंडली के अंदर अगर मौजूद हैं तो धन देने की जो प्रबलता है एकादश भाव के स्वामी की, जिसे एकादशेश भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी लाइफ में। और धन ये कब देगा हम इसको भी समझेंगे। अगर आपके लाइफ में कॉम्बिनेशन हैं, आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन हैं, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो कब ये आपको धन देगा, ये कब आपके घटित होगा ये कॉम्बिनेशन, हम इसको भी समझेंगे। सो वेलकम टू वन जीरो एस्ट्रो, मेरा नाम है अतीश और आज देखते हैं कि कुंडली का एकादश भाव जो होता है उसका जो स्वामी है उसके प्लेसमेंट से हम कैसे धन अर्जन की एबिलिटी को कुंडली में मेजर कर सकते हैं। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी कुंडली का ये पहला भाव होता है जिसे लगन कहते हैं, और जब यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं तो ये इसको कहेंगे वन, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नवा, दसवा और ये 11वां भाव। तो आज हम 11वें भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, यानी इस भाव के अंदर जो भी नंबर है आपकी कुंडली में, तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर लगन में 4 नंबर है, कर्क लगन की कुंडली है, तो जब हम गिनते हुए आएंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि। तो इसका जो स्वामी हुआ उसके प्लेसमेंट से हम ये देखेंगे कि क्या धन आपकी लाइफ में आएगा, पर्याप्त धन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो बगल में ये जो टैली है इसके, इसको देखिए, यहाँ पर राशि लिखी हुई है, साइन का नाम इंग्लिश में राशि और उसका लॉर्ड। तो अगर यहाँ पर 1 और 8 नंबर यानी कुंडली में कहीं पर भी ये नंबर जब होते हैं तो 1 और 8 नंबर अगर है तो 1 और 8 नंबर का जो स्वामी है वो हुआ मंगल, ऐसे ही 2 और 7 नंबर का स्वामी हुआ शुक्र। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और आपको जो नंबर यहाँ पर मिले उसके आगे जो यहाँ पर प्लैनेट लिखा हुआ है वही आपका उस भाव का लॉर्ड हुआ। तो मान लीजिए अगर आपको पंचम भाव का लॉर्ड निकालना है इस कुंडली के अंदर, तो हम यहाँ गिनेंगे 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर वो 8 नंबर, 8 नंबर यानी यहाँ पर 8 नंबर का स्वामी हुआ मंगल। तो इस भाव का जो स्वामी हुआ भावेश जैसे कहेंगे वो हुआ मंगल। तो ऐसे ही इस भाव का स्वामी हुआ शुक्र हमारे इस एग्जाम्पल में। तो अब शुक्र जैसे कि हमारा इस भाव का स्वामी हो गया, अब इसको देखते हैं, अब हम उन सूत्रों की बात करते हैं और नियमों की बात करते हैं जिससे हम ये निकाल पाएंगे कि कुंडली में धन देने की कितनी क्षमता है इस भाव के लॉर्ड में। तो पहला जो नियम है, जो सबसे एक बेसिक नियम है, वो है अगर यहाँ का लॉर्ड एकादश भाव का स्वामी, जैसे हमने कहा 2 नंबर हमारे इसमें था और उस टेबल के हिसाब से यहाँ शुक्र हमारा लॉर्ड हुआ भाव का, एकादशेश शुक्र हुआ, तो शुक्र की स्थिति यही हो यानी एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही मौजूद हो, यहीं पर इसकी स्थिति हो, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्वराशि हो जाता है यहाँ पर और यहाँ इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एकादश भाव का स्वामी अगर एकादश में ही हो यानी एकादशेश एकादश भाव में है तो ये धन देने की क्षमता रखता है। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यदि एकादश भाव का जो स्वामी है यानी हमारे हम इस वीडियो में जो एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पर हमारा शुक्र एकादश भाव का स्वामी हुआ, तो एकादश भाव का जो स्वामी है उसका प्लेसमेंट केंद्र में, केंद्र के 4 स्थान होते हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव और 2 त्रिकोण भाव, तो केंद्र में या त्रिकोण में इन स्थानों पे 1, 4, 7, 10, 5 और 9 इनमें से कहीं पर भी अगर इसकी स्थिति हो जाए तो ये काफी प्रबल धनयोग बनाने में सक्षम हो जाता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट की किन और लॉर्ड से युति है, स्थिति है, वो भी देखा जाता है, किन और प्लैनेट्स की इस पर दृष्टि है ये भी देखा जाता है, लेकिन ये बेसिक नियम है, सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन मिलना जरूरी है, इसके आगे ही आप और कॉम्बिनेशंस को इसमें मर्ज कर सकते हैं, इसके ऊपर लगाकर देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, जो तीसरा रूल है कि एकादशेश और लग्नेश में राशि परिवर्तन हो। राशि परिवर्तन एक थोड़ा सुनने में जारगॉन है बट बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर जो 4 नंबर है, तो अगर हम अपने टेबल को वापस देखें तो 4 नंबर का जो स्वामी है वो चंद्रमा हुआ इस कुंडली में, तो जो चंद्रमा है ये लगन का स्वामी हुआ, लगन का स्वामी आ गया 11वें भाव में, और
जो एकादश भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी है, ये आ गया लगन में, ये आपस में राशि परिवर्तन इनका हो गया, तो ये स्वैपिंग हो गई आपस में, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसका भी बहुत डीप लॉजिक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग इसलिए भी हो जाता है कि आप कुंडली में जब इन जन, हमने एक वीडियो में भी बात की थी इस बारे में कि जब आप किसी भी भाव को देखते हैं तो उस भाव के स्वामी को देखिए, उससे उसका डीप रिजल्ट्स का पता चलता है, गहराई से रिजल्ट्स का पता चलता है। तो आप इस भाव के स्वामी को देखिए, इस भाव का स्वामी हुआ शुक्र, शुक्र की स्थिति यहाँ है और यहाँ पर 4 नंबर है, तो वापस ये यहीं आ गया, तो ये काफी ज्यादा क्लोज टाइट बाउंड हो गए आपस में ये दोनों भाव, और आपस में इनके रिजल्ट्स एनहांस हो गए। तो ये राशि परिवर्तन कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और राशि परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, इस केस में पॉजिटिव है। अगर यही राशि परिवर्तन 12वें भाव में और सेकंड हाउस में हो जाए तो ये एक दरिद्र योग भी बनाता है एक तरीके का। तो अगर ये दोनों प्लैनेट्स सपोज यहाँ 2 नंबर होता और यहाँ 4 नंबर होता, और ये दोनों आपस में इसी स्थिति में होते बस द्वित्व और 12वें भाव में, तो यहाँ पर ये दरिद्र योग बनाने में सक्षम हो जाते दोनों प्लैनेट्स। बट हमारे केस में अभी जो हमारा तीसरा केस है, एकादशेश और लग्नेश में राशि परिवर्तन हो तो भी बहुत प्रबल धन अर्जन की संभावना होती है। इसी तरह इसका एक और रूल है कि अगर एकादशेश में यानी 11वें भाव के स्वामी में और द्वित्व भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन हो जाए, तो राशि परिवर्तन में दो चीजें हैं, या तो लगन के साथ राशि परिवर्तन हो जाए या द्वित्व भाव से राशि परिवर्तन हो जाए, तो भी यह योग आपको धन देने में सक्षम हो जाता है, प्लैनेट्स आपको धन देने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे 5 नंबर है द्वितीय भाव में, 5 नंबर को अगर हम देखें अपने टेबल में, तो 5 नंबर का जो लॉर्ड था वो है सूर्य। तो यहाँ पर हम वापस आकर देखेंगे कि सूर्य जो है हमारी कुंडली में वो 11वें भाव में यहाँ स्थित है, और यहाँ शुक्र सूर्य की राशि में द्वितीय भाव में स्थित है। तो यहाँ सूर्य की राशि में जो है, सूर्य आ गया 11वें भाव में द्वितीय भाव का स्वामी होकर, और शुक्र आ गया द्वितीय भाव में 11वें भाव का स्वामी होकर, तो ये दोनों फिर आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इससे ये आपस में एक धनयोग बना रहे हैं, बहुत प्रबल धनयोग बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले रूल की। अब यहां पर परिवर्तन नहीं है, यहां एकादश भाव का जो स्वामी है वो द्वित्व भाव में है, और जो द्वित्व भाव का स्वामी जिसे द्वित्वेश कहते हैं, द्वित्वेश भी द्वित्व भाव में है यानी सेकंड हाउस में, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। तो ये दोनों प्लैनेट एक साथ हैं सेकंड हाउस में, यहाँ सेकंड लॉर्ड का होना जरूरी है, और जैसा हमने अभी देखा था शुक्र इस कुंडली में सेकंड लॉर्ड हुआ, तो ये जो स्थिति है ये भी आपको धन देने में सक्षम होती है, ये काफी अच्छी मात्रा में आपको धन मिलता है अपने जीवन में। और अब बात करते हैं कि हम जब लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की बात कर रहे थे, उस रूल को देखते हैं, ये हमारा 5वां रूल है। यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी तो हमें पता है शुक्र हो गया, ये यहाँ पर है, और इसका जो स्वामी यहाँ 6 नंबर है, इसका जो स्वामी है उसकी स्थिति काफी शुभ हो, यानी वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युति करें या शुभ ग्रहों से उसकी दृष्टि हो, तो भी ये काफी प्रबल धन देने में सक्षम हो जाता है। तो ये ऐसे 5 रूल्स हैं जो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अगर ये मौजूद हैं तो ये प्लैनेट आपको धन देने में सक्षम है। अब ये आपको धन कब देंगे, धन मिलने का समय क्या होगा, धन मिलेगा जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, या ये गोचर में इन भावों को प्रभावित करेंगे, धन स्थानों को प्रभावित करेंगे या इन स्थानों पे दृष्टि देंगे। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, जब अगर मान लीजिए इस केस में शुक्र सबसे ज्यादा फलदायी प्लैनेट हुआ जो धन देने में सक्षम है इन कॉम्बिनेशन से, तो पहले इस कुंडली में आप वो एक सशक्त नियम देखिए कि वो नियम लागू हो रहा है, यानी नियम मिल जाता है। उसके बाद आप कुंडली के अंदर दशा देखिए, जब शुक्र की दशा आएगी तो यह धन देने में सक्षम हो जाएगा। इस कुंडली में जो 5वां हमने रूल लिया, इस केस में बुध भी धन देने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वो एकादशेश का भी स्वामी है, यानी एकादश के स्वामी का स्वामी हुआ, तो ये और ज्यादा सशक्त हो जाता है धन देने में अपनी दशा अंतरदशा में। सो आई होप आपको ये वीडियो एनलाइटिंग लगा होगा। आपके कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन, आप कमेंट में जरूर बताइए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में मैच होता है, या कोई और कॉम्बिनेशन जिसका आपको डाउट है, आप इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सकता है। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए, यही मेरा रिवॉर्ड है, यही इस एफर्ट का एक पीस ऑफ माइंड देता है जब आपका एक लाइक भी आ जाता है। चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर करिए, जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।